मामा जी, जब मेरी और कुहू की लड़ाई हुई थी ना, तब अबीर और कुणाल मेरे घर पे चले आए थे। और मीनू बहन कितनी नाराज हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊँ। बेटा, अब तो हम सबको अम्मे माँ की शरण में ही जाना होगा। मामा जी, एनजीओ, एनजीओ बेटा, मुझे लगता है तुम्हें एनजीओ चले जाना चाहिए। नहीं मामा जी, कोई ऐसी जगह सोचिए ना जिसे सुनके सब शॉक हो जाएं। बस अड्डा नहीं, वहां तो अभी गई थी ना। सॉरी, माँ के पास चली जाती हूँ, हॉस्पिटल में है ना। नो नो, वो पता नहीं क्या क्या कर दो। मतलब भाई, आपको पता नहीं है? पता नहीं क्या भाई? मिष्टी हॉस्पिटल आई थी, माँ को वार्निंग देके गई है। वार्निंग? क्या वार्निंग? मिष्टी ने माँ से कहा है कि कुहू सरोगेट नहीं बनेगी। और फिर माँ ने क्या कहा? आपको सचमुच नहीं पता है? पता है ना, फिर भी मैं सिर्फ दो ही चीजें रिपीट मोड पे सुनना चाहता हूँ, किशोर कुमार के गाने और उनके ताने। वेरी फनी भाई, ऑलवेज। माँ ने तो कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोल गया था। मिष्टी ने मुझे रियलाइज कराया कि मैंने उसे और आपसे बहुत गलत बिहेव किया है। आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली रियली सॉरी भाई। नहीं यार, मुझे पता होना चाहिए था कि माँ तुझे हमारे अगेंस्ट जरूर यूज करेगी, और हमेशा तो मैंने तुझे बचाया ना, लेकिन इस बार नहीं बचा पाया, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं भाई, आप क्यों सॉरी बोल रहे? मेरी गलती है ना। नहीं यार, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स। इस फाइट से हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम हमारे बीच में किसी को नहीं आने दे सकते। That's right. लेकिन एक काम अभी बचा है, हमें कुहू को वापस लाना है। हाँ, हम कल ही जाते हैं। तुम आलसी हो, टायर्ड हो, तो फिर इम्पोर्टेंट काम डिले क्यों कर रहे हो? हम कुहू को अभी वापस लाएंगे। कुहू मुझे देख के दरवाजा ही नहीं खोलेगी। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? जहाँ दरवाजे से नहीं जा सकते, वहां बैल्कनी से जाते। What? हाँ, कमर कस लो, क्योंकि एंग्री चोरनी अपने फुल जोन में आ चुकी है। तो मैं आंगन से रस्सी पकड़ के सीधा मेरे और कुहू की बालकनी में उतरना है, और वहां से सीधा रूम में। इट्स वेरी सिंपल। अरे डोंट वरी, मैंने कई बार किया है। वैसे दिखने में तो तुम स्ट्रॉन्ग टाइप्स लगते हो, वेट भी ज्यादा नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो रस्सी टूटेगी, और अगर टूट भी गई ना, तो बस कोशिश करना कि सर के बल ना गिरो। वैसे मेन डोर से कुहू के रूम तक जाना, फ्रेंकली आई डोंट थिंक सो तुमसे हो पाएगा। सो अब तो यही ऑप्शन है। वैसे 87% सेफ है, डोंट वरी। मैं काम करूंगी, मैं वर्षा आंटी को बातों में उलझा के रखूंगी, और बाकी सबको अभी संभाल लेना है ना अभी। हाँ, क्या हुआ नानू, बोलती बंद हो गई? ऐसा ही होता है, एंग्री चोरनी से मिलने पर लोगों की बोलती बंद हो जाती है, मेरी भी हो जाती। कुणाल डोंट वरी, हो जाएगा। टेक अ डीप ब्रेथ, तुम काम का उस... मुझे अभी भी याद है जब तुमने बुक्स पढ़ना शुरू की थी, इतनी एक्साइटेड थी तुम, फिर एक मेडिकल रिपोर्ट ने सब बदल दिया। लेकिन मिस्ट्री, अब तो हम तुम हिस्ट्री की किताब हो, कॉलोनी वाले रिटायर्ड अंकल हो, नानी माँ की कहानियां हो, तो फिर पुरानी बातें बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? तुम ये बुक्स क्यों निकाल रही? क्योंकि अब हमारा बेबी हमारे पास थोड़े अलग रूट से आने वाला ना, इसकी तैयारी भी थोड़ी अलग करनी होगी। मिस्ट्री, तुम खुश हो ना? बहुत 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 खुश हूँ अबीर, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक बात से हैरान हूँ कि खुद अडॉप्टेड होने के बावजूद ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? मिस्टी, तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। पता है अभी, बिना पेरेंट्स के एक छोटा सा बेबी इस बड़ी सी दुनिया में बहुत डरा हुआ फील करता है, और वो चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मेरा डर तो बड़ी माँ और बड़े पापा ने निकाला था। अब ऐसे ही किसी बेबी की खुशी की वजह हम बन पाएंगे अबीर। ठीक, मेरी लाइफ तो तभी पूरी हो गई थी जब तुम मेरी लाइफ में आई थी, ये बेबी तो हमारे लिए एक बोनस रहेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, तुम खुद उस हॉस्पिटल में गए उनसे बात करने के लिए। आई मीन,
ब्रो की ड्रैगन सास से है, माँ से। You deserve a medal for that. To be honest, Abir, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों डर रही हूँ? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। And it's a fact. कोहू की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसे सरोगेट बनने की पनिशमेंट क्यों मिले? इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दुखी नहीं होऊंगी और ना ही कोहू को होने दूंगी। अगर मेरा माँ ना बनना किसी को मेरी कमी लगता है तो मैं उन्हें क्लियरली बता दूंगी कि कमी मुझ में नहीं है, उनके ब्रेन सेल्स में। एंड अभी अगर फ्यूचर में मैं खुद कभी ये बात भूल जाऊँ ना तो तुम मुझे डांट के याद दिला देना। मतलब मैं तुम्हें डांट सकता हूँ? डांट सकते हो? एक सेकंड। हाँ। एडॉप्शन के वहां से फोन है। हेलो। सॉरी मिस्टर राजवंश, मैं इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। जी नहीं, इट्स ओके, बोलिए ना। बस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि आपको इसी महीने के एंड तक आपका बेबी मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशन। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। हम कल ही आते हैं वहां पर। क्या हुआ? हमें हमारा बेबी बहुत जल्दी मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशंस होने वाली मम्मी। थैंक यू। सॉरी, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगर नानू यहाँ होते तो क्या कहते, तो इसलिए मुझसे निकल गया। क्या कहते? हे यू गधेड़ो, सॉरी अगेन। आगे बढ़ते हैं। आगे नानू कहते कि अगर लाइफ में यंग रहना हो तो स्ट्रेस को डांडिया स्टिक्स के बीच में मैश कर दो। मानो ना मानो, मैं बड़ों की बात जरूर मानती हूं। Now watch me. राजकोट के सुपरस्टार, मेरी डांसिंग स्किल्स देख के घबरा गए क्या? हिम्मत है तो आ जाओ डांस फेस ऑफ करने। ओह हेलो, डांस के बदले डांस करना होता है, सिर्फ दांत दिखा के हंसना नहीं होता। वन सेकेंड, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एंग्री चोरनी का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ यार? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे तुमने ये जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली वाला डांस कहाँ से सीखा? What? क्या कहा तुमने? मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें ये अमेजिंग ट्रेनिंग किसने दी? एक अजीब आदमी है, और सबसे अजीब बात यह है कि उसकी शक्ल भी तुम्हारी तरह अजीब है। अंग्री चोरनी? आजा कैसे शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।